2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से कराए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसपा के ब्राह्मण कार्ड को लेकर सपा, कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दल बसपा को घेरने में लग गए हैं। सभी दलों में खुद को ब्राह्मण समाज का हितैषी बताने की होड़ सी मच गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू किया है, जिसके बाद राजनीति के गलियारे में ब्राह्मणों को लुभाने की होड़ सी लग गई है। एक ओर कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने बसपा पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ब्राह्मणों के कांग्रेस में घर वापसी का दावा किया है, तो वहीं सपा नेता ने ब्राह्मणों और सपा का संबंध कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से जोड़कर बताया। वहीं भाजपा का कहना है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ लेकर चलते हैं। इन सब से इधर कोरोना संक्रमण के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे आम आदमियों का कहना है कि उन्हें जाति, धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ विकास चाहिए और महंगाई की मार से निजात। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 13% ब्राह्मणों की आबादी है। ब्राह्मण एक बड़े वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दल लोग उसको देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो ब्राह्मण सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं, लगातार 4.5 वर्ष के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर लगातार बहुत सारे ब्राह्मणों पर उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया, उनकी हत्याएं तक की गई। मैं ये दो दल जो लगातार सम्मेलन कराने की बात कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में ब्राह्मणों के उत्पीड़न के ऊपर इनके मुंह से कोई बयान तक आया है? कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन कहीं पर किया है? और चाहे ये 4.5 साल की सरकार योगी जी की रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, लगातार सारी सरकारों में ब्राह्मणों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न करने का काम किया गया है। मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव जी को और मायावती जी के दोनों को, अगर उनको ब्राह्मणों से इतना मोह है तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को BSP मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं घोषित कर देती है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को CM का कैंडिडेट बनाती है अपना? जो देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो लोग आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जिनके सरकार में हजारों लोगों को और SC ST एक्ट के मुकदमे लगे हैं। वो लोग इसकी बात कर रहे हैं जिनका एक भी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। जात पर कोई भरोसा नहीं, पूरा राष्ट्र, पूरा 125 करोड़ देशवासी, भारतवासी सब अपना है। ऐसी सोच वाले जो इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हम विकास जाइए भैया। विकास से परेशान तो ही है सब, पूरी जनता परेशान है। जब से ये लॉकडाउन ये वो लगा है, कोई आदमी खुश नहीं है, सब परेशान है। रोजी रोटी खाई नहीं है, लाओ 100 रुपया कमाना मुश्किल है, 100 रुपया कमाना मुश्किल है। बहुत खराब पोजिशन है, धंधा पानी बिल्कुल चौपट है भैया। वही सरकार बने कि जो सब चीज़ का ध्यान रखे, ख्याल रखे, हर चीज़ के परेशानी ना हो। अब जब से तो परेशान हर इंसान है, कोई खुश नहीं है, कोई भी जनता जो है खुश नहीं कर रहे। हर आदमी परेशान है, छोटे वर्कर का बिल्कुल ही बेकार है, चाहे ठेला वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे पान वाला। सरसों से भटक चुकी है भाजपा। ब्राह्मण भाजपा को देंगे मुंह तोड़ जवाब 2022 के चुनाव में, और सपा की तरफ सभी ब्राह्मण कर रहे हैं रुख। आज तमाम तरीके से भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को सताया गया है तथा उनकी हत्याएं की गई हैं, इनकाउंटर तक किया गया है। और आज जब चुनाव नज़दीक आया है तो सभी ब्राह्मणों के ऊपर रुख कर रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि किस सुदामा की मित्रता को ना कभी इतिहास मिटा पाया है, ना कभी मिटा पाएगा। और अब की सभी ब्राह्मण जो हैं हमारे भाई, वो सभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुक कर लिए हैं, और आदरणीय अखिलेश भैया को 2022 के चुनाव में विजय श्री का राज तिलक करने का काम करेंगे। हमारे सभी ब्राह्मण बुद्धिजीवी जो हैं और सभी संगठन के ब्राह्मण जितने भी हमारे भाई हैं, वो सभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए हैं।